बुधवार को विकास नगर की आवासीय समिति के सदस्य नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपकर डोर टू डोर कूड़ा बिल देने या ऑफलाइन काउंटर खोलकर बिलों के भुगतान की सुविधा देने और जो भी कमरे खाली है उनके बिल ना लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने नगर निगम से कूड़े के बिल बिजली के बिलों के साथ देने का आग्रह भी किया है। एक और जहां लोगों को ऑनलाइन बिल जमा करवाने में दिक्कतें आ रही है, वहीं मकान खाली होने के बावजूद भी नगर निगम लोगों को कूड़े के बिल थमा रहा है। राजधानी शिमला के लोग इन दिनों कूड़ा बिलों को लेकर परेशान हैं। बुधवार को विकास नगर की आवासीय समिति के सदस्य नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। यहां पर आपका एक डेपुटेशन मिलने आया, महापौर से क्या डिमांड है? मैं बालकृष्ण दुल्टा, प्रधान संयुक्त आवासीय जन कल्याण समिति शिमला विकास नगर। हमारी जो आज की जो डिमांड है, जो गार्बेज के जो बिल है, इससे मैक्सिमम जो लोग हैं वो परेशान हैं। परेशान का कारण क्या है कि इन्होंने ऑनलाइन जो एक सिस्टम डेवलप किया है, उस सिस्टम को मतलब अवेल करना हर किसी के बस की बात वो नहीं है, क्योंकि हर किसी को मतलब उसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा है। तो दिक्कत क्या आ रही कि किसी के 4 महीने हो रहे, 6 महीने हो रहे, लोग कहते हैं कि बिल नहीं आया जी, कूड़े का बिल नहीं आया है। और उसके ऊपर जो है, जो खाली पड़े कमरे हैं उनके मतलब बिल जो है वो कंटिन्यू आ रहे हैं। और जब हम इनके पास जाते तो ये कहते जी आप एक एप्लीकेशन दे दो और बिजली का खाली बिल आप उसमें अटैच करो। इसमें हमारी जो प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी जो है ना वो इसी काम के लिए ही है कि वो यही काम करेगा कि भैया वो मतलब बिल आए उसकी करेक्शन करे, ठीक है जी। और दूसरी बात है, प्रॉब्लम सबसे मेन चीज़ है, ऑनलाइन आप बिल करवा लेते हो, अगले महीने फिर वो आउटस्टैंडिंग होता है अमाउंट। तो इस वजह से हम लोग बहुत इस चीज़ को लेकर आज हम बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है। हमारी जो समिति है ये पूरे विकास नगर का प्रतिनिधित्व करती है, तो आज हम डेपुटेशन लेके आए हैं तो मेयर साहिबा कह रही है कि भैया हम इस पर ध्यान देंगे। अब हम ये देखते हैं कि कब तक इसको ये सॉल्व कर पाते हैं। आपने कुछ सुझाव भी दिए थे? हमने सुझाव ये दिए थे कि आप डोर टू डोर जो है ना जी हमें बिल दो, अगर ये डोर टू डोर नहीं दे पा रहे हैं तो इसको बिजली के बिल के साथ क्यों नहीं अटैच कर देते हो आप? क्योंकि जब इन्होंने बेस जो है ना बिजली का बिल ही है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको अगर खाली कमरे के लिए बोलना है तो आप बिजली का बिल दो, तो हम कह रहे हैं कि बिजली के बिल के साथ इसको अटैच कर दो। ऑनलाइन कितनी दिक्कत आ रही है? ऑनलाइन जी लोगों को बिल जनरेट करना नहीं आता है। अब आप मोबाइल पे जाएंगे, आज हर आदमी जो है ना मोबाइल को इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। विकास नगर की कुछ जनता मुझे मिलने आई है तो इनके कुछ थोड़े बहुत इशू थे, खासकर जो इनके इशू थे गार्बेज से रिलेटेड थे। इनका मानना है कि हम ऑनलाइन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन जो है पेमेंट नहीं कर सकते, तो इसकी ऑफलाइन भी होनी चाहिए। तो इसका ये निर्णय हम पहले हाउस में ले चुके हैं कि हम लोक मित्र केंद्र के द्वारा भी, जैसे हम पहले भी लेते थे वो भी, वहाँ भी आप जमा कर सकते हैं और हमारे ऑफिस में आ कर भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और ये लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हुए हैं। मैंने CHO साहब को यहाँ बुलाया है, इनको विस्तृत रूप से समझा रहे हैं कि हम जो है बिल आपको जो है घर घर पे देंगे और आपको कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।